वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। फिल्म एक्ट्रेस रिया सेन कांग्रेस पार्टी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गई है और राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा करते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। पार्टी सांसद राहुल गांधी और अन्य लोगों ने आज महाराष्ट्र के पातुर से यात्रा को फिर से शुरू किया है और इस दौरान उनके साथ रिया सेन भी नजर आई है। बता दें आपको कि राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा को 71 दिन पूरे हो चुके हैं और जिसमें राहुल गांधी के साथ तमाम लोगों ने वहां पर 1550 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर दिया है और राहुल गांधी ने यह यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू की थी और जिसमें कांग्रेसियों के हुजूम के साथ साथ कई नेता और अभिनेता भी शामिल हुए। एक्ट्रेस और फिल्म मेकर पूजा भट्ट भी इस यात्रा का हिस्सा बन चुकी हैं। उनके अलावा एक्टर सुशांत सिंह ने भी भारत जोड़ो यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आपको बता दें कि साउथ एक्ट्रेस पूनम कौर ने भी भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत के लिए नया हेड और वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है और संध्या अब अजीत मोहन की जगह लेंगे। आपको बता दें कि संध्या देवनाथ 1 जनवरी 2023 से अपना कार्यभार संभालेंगी और डैन अनेरी को रिपोर्ट करेंगी जो कि APAC के लिए मेटा के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बता दें आपको कि अजीत मोहन ने इसी महीने की शुरुआत में इस्तीफा दिया है और संध्या को गेमिंग का एक्सपर्ट माना जाता है। वे महिलाओं के गेमिंग इंडस्ट्री में आने के लिए प्रेरित भी करती रही हैं और रिपोर्ट के मुताबिक अजीत मोहन स्नैपचैट से जुड़ने जा रहे हैं और अजीत मोहन ने जनवरी 2019 में फेसबुक इंडिया में प्रबंध निर्देशक के रूप में ही काम संभाला था और देवनाथन 2016 से फेसबुक के साथ जुड़ी हैं और उन्होंने कंपनी के कारोबार को सिंगापुर और वियतनाम में बढ़ाने के अहम जिम्मेदारी भी निभाई है। आपको बताते चले कि मेटा ने हाल ही में 11,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है और छटनी की जानकारी देते हुए मेटा के CEO और फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने भी कहा है कि ये मेटा के इतिहास में किए गए बदलावों में ये सबसे कठिन जो बदलाव है वो हुआ है। उन्होंने इस कदम के लिए कर्मचारियों से माफी भी मांगी है। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। घटना समेत कई अन्य जगहों पर रेड डाली गई है और नीतीश सरकार में RJD कोटे में मंत्री बने समीर महासेठ बिहार के मधुबनी से ही दूसरी बार विधायक बने हैं और इससे पहले वे बिहार परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। समीर महासेठ के आवास पर सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने धावा बोल दिया और इस टीम में एक दो नहीं बल्कि 20 से 25 अफसर मौजूद थे और सुबह 7 बजे आयकर विभाग की टीम ने समीर कुमार महासेठ के आवास पर दबिश दी और ये छापेमारी उद्योग मंत्री के पटना वाले घर में की गई। माना जा रहा है कि वित्तीय अनियमितता से जुड़े मामलों को लेकर वो जांच एजेंसियों के रडार पर आए हैं और पूर्व मंत्री राजकुमार महासेठ के बेटे समीर कुमार महासेठ ने RJD की टिकट पर विधानसभा चुनाव 2020 में लगातार दूसरी बार मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से जीत जो है वो दर्ज की है और इससे पहले वो विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार ने NDA से नाता तोड़कर RJD और अन्य दलों के साथ महागठबंधन सरकार बनाई तब उन्हें मंत्री बनाया गया। श्रद्धा मर्डर केस के बाद दिल्ली के सरिता विहार इलाके से एक और चौंका देने वाली घटना सामने आई है जहां लिव इन पार्टनर ने अपनी 25 साल की प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी है और बताया जा रहा है कि प्रेमी को शक था कि उसकी प्रेमिका का किसी दूसरे युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है जिसकी वजह से दोनों के बीच विवाद हुआ और प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। 11 नवम्बर को मदनपुर खादर इलाके के एक फ्लैट की 4थी मंजिल पर पुलिस को एक युवती अचेत अवस्था में मिली और उसे अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टर ने जांच के दौरान युवती को मृत घोषित कर दिया। युवती की पहचान दिल्ली की रहने वाली गुड्डी के तौर पर की गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि युवती की हत्या गला घोट कर की गई है। पुलिस ने जांच शुरू करी तो फिर सीधा शक राहुल नाम के युवक पर गया जो युवती के साथ लिव इन पार्टनरशिप में
के तौर पर ही रह रहा था और दोनों के बीच काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इन दोनों ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया और राहुल को शक हुआ कि गुड्डी का किसी और युवक के साथ अवैध संबंध है और इस बात को लेकर उनमें झगड़ा होता था। बीती 10 नवंबर की रात दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि राहुल ने गुड्डी का गला दबाकर कत्ल ही कर दिया और अपने दोस्त के जरिए 1.5 साल की बेटी को गुड्डी के नानी के घर पहुंचा दिया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डोईवाला में आदर्श संस्था डोईवाला द्वारा बुधवार को हमारे मुख्यमंत्री नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धामी और सीएम धामी बतौर मुख्य अतिथि के लिए उपस्थित रहे और कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता हरीश कोठारी ने किया है। आदर्श संस्था डोईवाला की अध्यक्ष आशा कोठारी की अध्यक्षता में हमारे मुख्यमंत्री नाम से एक कार्यक्रम लच्छीवाला वन विश्राम गृह में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीएसएफ सशक्त सुरक्षा और कारगिल शहीद परिवारों 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद वीर चक्र प्राप्त गोविंद अधिकारी के परिजनों को सम्मानित किया और साथ ही सीएम के जन्मदिन पर सरकारी स्कूल के विद्यालयों और द्वारा ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो बनाने वाले स्कूली छात्र छात्राओं, परंपरागत घराट संचालित कर रहे संचालकों और समाज में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों महानुभावों को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि महामंडेश्वर स्वामी हरि चेतानंद ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं का देश के हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान, शिक्षा, चिकित्सा, असहाय, निधन, लोगों की सहायता करने में सामाजिक संस्थाओं का बड़ा योगदान है। सीएम धामी ने संस्था का आभार जताते हुए बताया कि उनके माध्यम से सैनिकों, शहीदों के परिजनों और छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, जिससे उनके कार्य में प्रोत्साहन मिलेगा। सर, हमारे विद्यार्थियों का कार्यक्रम, नौनिहालों के कार्यक्रम और साथ में हमारे सेना से जुड़े हुए अर्धसैनिक बलों से जुड़े हुए एनसीसी के लोग सभी को अपने अपने विशिष्ट कार्य करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए जहाँ यहाँ पर सम्मानित किया गया, ये निश्चित रूप से ये उनके लिए प्रोत्साहन है कि आगे चलकर वो और अच्छे काम करें और अच्छा लोगों की सेवा में अपना नाम बढ़ाएँ, अपना काम बढ़ाएँ। और इसी खबर पर डोईवाला से संवाददाता चित्रवीर छेत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्रवीर, जैसे कि सीएम धामी अब डोईवाला पहुंचे, क्या वहां का जायजा है, क्या मौके पर है? जी, सीएम धामी बड़े गर्मजोशी के साथ डोईवाला कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने बड़े बच्चों के साथ बड़े मिलनसार लहजे में उनसे मिले, उनसे बातचीत की और कार्यक्रम के आयोजकों का उन्होंने तारीफ किया और उन्हें इस कार्यक्रम से ये मैसेज डाला कि भाई जो अच्छा कार्य करते हैं, उल्लेखनीय कार्य करते हैं, उनको प्रोत्साहन के रूप में उनको सम्मानित किया जाना चाहिए और इस रूप में जो है काम करने से उनको कहीं ना कहीं सम्मान मिलेगा, इसीलिए आगे समाज आगे बढ़ेगा। जैसे त्रिवीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल भगवानपुर क्षेत्र में सहायक अभियंता यूपी भट्ट ने 5 अवैध कॉलोनियों को सील किया है और भगवानपुर में बड़े पैमाने पर भू माफियाओं का मकर जाल जो है वो पैर पसारता हुआ साफ नजर आ रहा है। बता दें आपको कि अवैध रूप से 5 अवैध कॉलोनियों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है और कई अवैध निर्माणों और अवैध प्लांट के खिलाफ भी चेतावनी नोटिस जो है वो दे दिए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ रुड़की से संवाददाता शहजाद राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, जिस तरह से भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अभी की क्या अपडेट है? बिल्कुल आपको बता दूं, जैसे विकास प्राधिकरण द्वारा जगह जगह पर जो अवैध कॉलोनियां काटी गई उस सब पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही, उसी को लेकर भू माफियाओं में काफी खलबली मची हुई है और हमें विकास प्राधिकरण अधिकारियों को साफ तौर पर कहना है जो भी भू माफिया अवैध तरीके से कॉलोनियों प्लॉटिंग करेगा उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी और वो सीलिंग के बाद भी अगर नहीं कार्य को बंद करते तो उनके खिलाफ FIR करा के उनके क्षेत्रीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी और आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जी शहजाद, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा जो है, अवैध कॉलोनियों को सीलिंग भी की गई है और कार्रवाई भी की गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं यूपी भट्ट जो की विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता है भगवानपुर क्षेत्र के, उन्होंने अभी जो 5 कॉलोनियों को सील किया है और कई कॉलोनियों के खिलाफ नोटिस छपा कर उनको चेतावनी भी दी गई है, और अगर आगे से अवैध तरीके से कार्य करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। रायका का खेल मैदान में चल रहे ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिता के दूसरे दिन ही एथलीट प्रतियोगिताएं बालिकाओं के नाम रहे और न्याय पंचायत स्तर पर प्रथम स्थान हासिल कर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए नारायण बगड़ में ही रायका के खेल मैदान में आयोजित खेल महाकुंभ प्रतियोगिता में दूसरे दिन अंडर 14 और 17 और अंडर 21 बालिका वर्ग के लिए एथलीट प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। जनपद उधम सिंह नगर के सितारगंज में सोमवार को NH 74 पर नया गांव भट्टा के पास स्कूल बस और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है, जिसमें लगभग 22 छात्राओं को गंभीर चोटें आई थी और वहीं एक शिक्षिका और एक 14 वर्षीय छात्रा की मौत भी हो गई है, जिसका संज्ञान लेकर प्रशासन अब हरकत में आ गया है। इस मामले में जनपद उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी युगल किशोर पंत ने भी यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे और इसी क्रम में आज सितारगंज में ही ARTO की चेकिंग के दौरान 3 स्कूल बस, 2 टेम्पो और 2 प्राइवेट वाहनों को भी क्षमता से ज्यादा छात्रों और सवारियों को ले जा रहे थे और पकड़कर उन्हें सीज की कार्रवाई और उनके पेपर भी चेक किए गए हैं और साथ ही उनके DL और परमिट कैंसिल भी की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान लगभग 1 दर्जन वाहनों का चालान भी किया गया है। में हम लोगों ने आज सुबह से अभियान चला रखा है, खासकर स्कूल बसों के खिलाफ और जो प्राइवेट गाड़ियां हैं जो स्कूल के बच्चे ढोती हैं उनके खिलाफ, और खासकर ऐसे टेम्पो मैजिक जो कि ओवरलोडेड बच्चे ढोते हैं उनके खिलाफ जिनके पास फिटनेस परमिट नहीं है। तो कुल मिलाकर इस तरह के सभी कैटेगरी में जो वाहन बंद किए गए हैं, हम लोगों ने 12 वाहनों का चालान किया है और 7 गाड़ियाँ हमने यहाँ पर मंडी परिषद में, 1 सरकड़ा चेक पोस्ट हमने और 6 वाहन यहाँ बंद किए हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय वीवी के बिड़ला परिसर में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गया था और मतदान को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और देश भर से श्रीनगर पढ़ने आए कुछ छात्र एजुकेट बस और इसके साथ ही सेवा ऑनलाइन और क्लासेज को लेकर अपना मत डाल रहे हैं। प्रशासन ने भी बिरला कैंपस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और सुरक्षा के मद्देनजर 1.5 प्लाटून और PAC, 70 रेगुलर पुलिस के जवान और 5 SO और 1 इंस्पेक्टर, 1 CO और 1 एडिशनल SP की तैनाती जो है वो चुनाव में मद्देनजर जो उसके देखते हुए बिरला कैंपस में की गई है। आपको बता दें कि मतदान दोपहर 2 बजे तक जारी रहा और मतपत्रों की गिनती देर साय तक ही चली। दिनेशपुर थाना अंतर्गत तारक धाम निवासी यशपाल ने थाने में तहरीर देकर अपने भाई 6 महीने पूर्व लापता हुए भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसका आज दिनेशपुर पुलिस ने दिल्ली से बरामद कर परिजनों के सौंप दिया है और जिसके बाद से परिजनों के अलावा पूरे गांव में खुशी का माहौल जो है वो लगातार बना हुआ है और इस दौरान लापता बालक के भाई स्थानीय पुलिस का धन्यवाद देते हुए यशपाल ने कहा कि 6 महीने पहले मेरा भाई लापता हो गया था और जिसका मैंने काफ़ी खोजबीन भी किया था और थक हार कर पुलिस के पास आने पर पुलिस ने बहुत मेहनत की और स्थानीय पुलिस ने उत्तराखंड के कई स्थानों में भाई को ढूंढा लेकिन उत्तराखंड में नहीं मिला। फिर दिल्ली में पुलिस ने भाई को बरामद किया है और मैं पूरे उत्तराखंड पुलिस को धन्यवाद देना चाहूँगा।
आपको बता दें कि दिनेशपुर से खबर है जहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले एक युवक गायब हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उत्तराखंड में उसकी खोज की, लेकिन उत्तराखंड में मिलने के ना बाद उसके बाद दिल्ली में खोज की गई, जहां से दिल्ली से ही उस युवक को अब बरामद कर लिया गया है। ये मेरा छोटा भाई 18/5/2022 को घर से 500 रुपये लेकर मम्मी से किताब लेने के लिए निकला था और उसका घर लौटा नहीं, लापता हो गया। तो मैंने 19 तारीख में यहाँ पर दिनेशपुर थाने में मामला दर्ज करवाया गुमशुदगी का। तो पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया उसको ढूंढने का, कोई खबर नहीं लगी। मुझे भी साथ लेकर गए हल्द्वानी, नैनीताल वगैरह जगह, और भी कई जगह मुरादाबाद, कहीं पता नहीं लगा। तो अब जाके फाइनली दिल्ली में उसका पता चला, ये दिल्ली में था तो वहाँ से ये बरामद करके लाए एसआई मेहता साहब, और आज मेरे सपोर्ट कर दिया गया इसको 6 महीने बाद। और इसी खबर पर दिनेशपुर से संवाददाता काजल राय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। काजल राय, जिस तरह से खबर सामने आई है कि 6 महीने पहले युवक लापता हुआ था, जिसके बाद अब पुलिस ने दिल्ली से बरामद किया। जी सुमन, बताना चाहूंगा कि 6 महीने पहले यहाँ जब ये बच्चा जो लापता हुआ था, तो काफी यहाँ पे खोजबीन की गई, यहाँ तक कि उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में जाया गया, लेकिन जो है उसका कोई जब आता पता नहीं हुआ, तो अंत में पुलिस के पास गए। पुलिस ने जो है बड़ी तत्परता से देखते हुए जो है इनको गंभीरता से लेते हुए जो है दिल्ली से जाके बरामद किया। जी सुमन, कुछ जानकारी सामने आ पाई है काजल की, किस तरह से जो युवक था वो लापता हुआ था और इसके पीछे कोई गुनाह किया हुआ था या वैसे लापता हुआ था, भागा हुआ था घर से? ऐसे ही सुमन बताना चाहूंगा कि घर से थोड़ा सा नाराज था किसी बात पर और जो है स्कूल जाना नहीं चाहता था, जिसके बेस पे जो है घर पे थोड़ा डांट लगाया, तो उसमें जो है वो नाराज होके कहीं चला गया था। फिर वो जो है बड़े मुश्किल से उसको जो है पुलिस ने दिल्ली से बरामद करके दिनेशपुर लेके आई। जी जी, जो लापता बच्चा है उसने बताया, कुछ जानकारी दी है कि किस तरह से वो 6 महीने कहाँ रह रहा था, इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल हो पाई है? जी, उन बच्चे का कहना था कि यहाँ से रुद्रपुर गए, रुद्रपुर से ट्रेन में बैठ गए, उसको ये नहीं पता था कि कहाँ जा रही है ट्रेन। सीधे ट्रेन से उतरने के बाद वो जो है ये रुद्रपुर दिल्ली में जाके किसी होटल में काम कर रहा था, ये बच्चे का कहना है। जी जी, और लोगों ने इनकी सहायता की है, इस बच्चे की किसी ने सहायता की है? ये बात जो है उसने कुछ नहीं कहा कि ये जो कोई सहायता हुआ, क्योंकि वो भूख से जब दिल्ली में जाके पहुंचा तो भूख से वो तड़प रहा था, तो खाने के लिए वो सोच रहा था कि कहाँ जाया जाए, तो वो होटल के पास ही खड़ा था, तो वहाँ पे होटल वालों से बात की और जो है उन्होंने खिलाया और जो है वही काम पे लग गया। जिस तरह से पता चल रहा है कि 6 महीने बाद बच्चा वापस आ गया है, तो परिजनों में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? आपको बताना चाहूंगा कि एक खुशी का माहौल है, उनके परिवार के साथ साथ पूरे गांववासी, गांव के लोग भी बहुत पुलिस को धन्यवाद दे रही है और जो है खुशी का माहौल मना रहे हैं। जी जी, और पुलिस प्रशासन का इसको लेकर कोई बयान सामने आया है? पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस तरीके का जो है ये गलत हाथ में नहीं गया, यही सबसे बड़ी बात है कि कोई गलत हाथ में आज की डेट में जो है बच्चों को ले जाके वो बहुत उल्टा सीधा काम करवाते हैं कई लोग, तो ये वो गिरोह के हाथ में नहीं लगा, तो इसके लिए जो है पुलिस वालों का कहना है कि बच्चों को जो है सबको कहना है कि बच्चों को जो है डांट पटकार ना लगाए और उसको समझाए। जी 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 काजल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। लक्सर पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पिछले लंबे समय से लक्सर पुलिस पॉक्सो के आरोपों की तलाश कर रही थी और लगभग 2 महीने की मेहनत के बाद लक्सर पुलिस को कामयाबी मिली है और पॉक्सो का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। जब पकड़े गए आरोपी की बारीकी से जांच की गई तो आरोपी बच्चों को ही सौदागर निकला और बच्चों के पास अलग अलग जगह से चुराए गए 2 बच्चों
कि बरामदी जो है वो लगातार कर ली गई है और आरोपी की जांच के बाद पता चला है कि इन बच्चों में से एक बच्चा कश्मीरी गेट दिल्ली से चुराया गया और जबकि दूसरा बच्चा जो है वो गाजियाबाद से चुराया गया था। और दिल्ली से चोरी हुए बच्चे के परिजन लक्सर पहुंच गए हैं और पूरे मामले का खुलासा करते हुए SSP हरिद्वार अजय सिंह ने बताया है कि लक्सर में 21 अगस्त को एक नाबालिग बेटी की गुमशुदगी लिखाई गई थी और बेटी के मिलने के बाद बेटी के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई थी, जिसमें पॉक्सो में मामला दर्ज किया गया था और जिसके बाद से ही उसके पास से नकली दस्तावेज बरामद किए गए थे। आरोपी की निशानदेही पर दो मासूम बच्चे भी बरामद कर लिए गए हैं, जिन्हें पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। देखिए, लक्सर में 21-8 को जो है एक नाबालिग 25 जो अपने घर से किसी कारणों से चली गई थी, उसको हरिद्वार रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति मोहम्मद मुश्ताक करके है जो बहला फुसला कर ले गया था और इसके बाद जो है उसके साथ अनैतिक काम किया था। चूंकि बच्ची उस व्यक्ति को नहीं जानती थी पहले से, इसलिए केस काफ़ी कठिन था, चूंकि अभियुक्त की पहचान इसमें मुश्किल थी, तो लगातार 3 महीने से इसमें टीम प्रयास कर रही थी और इसके बाद जो CCTV और अन्य जगह से स्थान को चिन्हित किया गया। और इसी खबर पर लक्सर से संवाददाता प्रवीण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि दो मासूम बच्चों को अब बरामद किया गया है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि लक्सर से लगभग 3 माह पहले एक नाबालिग लड़की घर से निकल गई थी और वो हरिद्वार पहुंची थी और हरिद्वार पहुंचने के बाद उसके साथ एक युवक मिला था जिसने उसको बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के मामले में लक्सर कोतवाली में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। उसी मुकदमे की छानबीन की जा रही थी और लक्सर कोतवाली पुलिस द्वारा जो आरोपी है उसकी शिनाख्त के लिए कई सीसी फुटेजों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन 3 महीने के बाद जो मुख्य आरोपी वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। जब लक्सर कोतवाली पुलिस ने उसे कड़ी पूछताछ की तो पूछताछ से पता चला कि उसने अपने आप को कहीं साइबर क्राइम या कोई पुलिस रेलवे अधिकारी ऐसे से बहुत किया, कोई बच्चा जो संरक्षण देने वाले जो सदस्य है उनका एक बड़ा मेंबर भी अपने को दर्शा रखा था और झूठे प्रमाण पत्र बना रखे थे और लगभग 9 माह का बच्चा 3 माह पहले भी लगभग दिल्ली से उन्होंने चोरी किया था गाजियाबाद से और उसकी भी जो गुमशुदगी है वो दिल्ली में दर्ज थी और जो कश्मीरी गेट पुलिस चौकी उसमें दर्ज थी। उसके बाद यहाँ से जो उससे पूछताछ की उसने बताया कि जो बच्चा चोर है उसने बच्चे चोर को एक को तो रोशनाबाद और एक बदायूं में भेज दिया था। लक्सर कोतवाली पुलिस ने काफी प्रयास के बाद जो गाजियाबाद से बच्चा चोरी था उसको तो बरामद कर लेगा और उसी के साथ साथ दूसरा जो बदायूं से था उसकी भी जो पहचान तो नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस ने उस बच्चे को भी बरामद कर लिया है। जी प्रवीण सैनी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि दो बच्चे अलग अलग जगह से गायब हुए थे, तो इसके पीछे क्या कोई गिरोह है जो बच्चों की चोरी कर रहा है? देखिये विपन्न, जो मुख्य आरोपी है ये बच्चा चोरी करता है और ये जहाँ भीड़ भाड़ वाला जैसे रेलवे स्टेशन होता है या अपना हमारा बस स्टैंड होता है या कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह होती है जैसे शादी पार्टी में जाते तो वहाँ ये अपना स्टेशन पर रहती करता था कि छोटा बच्चा है और उसके परिजन इधर उधर लगे तो उस बच्चे को ये वहाँ से चोरी करता था और उसके बाद ये वहाँ से बच्चे को उठाकर बेच देता था, क्योंकि लगातार इसने काफी बच्चे बेच चुके हैं। लेकिन अभी पुलिस का ये भी कहना कि इससे अगर और भी कड़ी पूछताछ की जाएगी तो शायद जो और भी बच्चे कहीं से इसने चोरी किए और कहीं देखे तो वो बच्चे भी बरामद किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि ये इतना मुख्य आरोपी है इतना क्रूरता भरा है कि जो इसने गाजियाबाद से जो बच्चा चुराया था उस बच्चे के दोनों हाथों में 6-6 उंगलियां थी और इसने जब बच्चे को कहीं बेचने का प्रयास किया तो सभी ने उस बच्चे को मना भी कर दिया था कि ये इसके हाथ में 6-6 उंगलियां, फिर दूसरी बार जब बच्चे को बेचा है देहरादून में तो इसने बच्चे की दोनों जो उंगलियां एक उंगली कटवा भी दी थी। जी प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अहम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।